उस एंटीबॉडीज और एंजाइम से। ये डिवाइस में डालने पर वो उसका हाई रेजोल्यूशन पिक्चर लेता है और उसकी तुलना करता है बेसलाइन इमेज से। फिर उस इमेज से यूजर को रिजल्ट दिखाता है, एक स्केल के साथ सही एक्शन की सलाह देता है। ये रिजल्ट इंटरनेट द्वारा दूर बैठे फिजिशियंस को भेजे जा सकते हैं। दूसरे मेडिकल डिवाइसेस और रिसर्च की तरह मैंने टेस्टिंग शुरू की यीस्टें, जैसे सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर्स से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और कम कीमत की वजह से। मैं अपने इनोवेशंस की बात कर ही रही हूँ, तो ये भी बता दूँ कि मैं लकी हूँ कि मुझे कुछ कमाल के मेडल्स मिले जो मुझ में भरोसा करते हैं और मुझे इंस्पायर भी करते हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीख रही हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप किसी न किसी स्टूडेंट को मेंटर बनिए, उन्हें गाइड कीजिए। आप में पावर है ऐसे ढेर सारे इनोवेटिव बनाने के लिए और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करने की जो लर्निंग को बढ़ावा देता है और हमारी प्रॉब्लम्स के हल ढूंढने के काबिल बनाता है। मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई एज लिमिट होनी चाहिए। मैं आज सिर्फ 13 साल की हूँ और इस बात से खुश हूँ कि मेरे पास कई साल है साइंटिस्ट बनकर प्रॉब्लम के हल होने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, आज और आने वाली जनरेशन के लिए इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। मुझे लगता है कि साइंस का मकसद ही समाज में बदलाव लाना है। मुझे उम्मीद है कि सही फोकस और हमेशा सीखते रहने की लगन के साथ हम सभी सुपर हीरो बन सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। धन्यवाद। मैं एडमिट करना चाहूँ कि तुमने जो बातें बताई उसमें से 80% मुझे समझ में नहीं। जब मैं 13 साल का था तो सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ की ये थी, मेरे मम्मी डैडी कहते थे बेटा हल्की कुंडी लगा के रखता। सो दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और दूसरी अमेजिंग बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, गीतांजलि ने आज हिंदी में बातचीत करने के लिए हिंदी स्पेशली इस शो के लिए सीखी है। सो शी इज स्पीकिंग इट मैं जो डिसाइड कर लिया कि अपने 6 साल के बच्चे को अब मैं साइंटिस्ट ही बनाऊंगा। ओके गीतांजलि, टेल मी, यू आर शोइंग मी ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड आई understood one word out of it, raspberry. Raspberry Pi, yeah. I got that. Raspberry Pi computer. Computer part I couldn't remember. Raspberry Pi. So would you show us, how do you pronounce it? Tethys. Tethys, yes. And would you show it to us? Yeah, I have a setup actually, so. Take it from behind. So, is it here? How do you keep it here? Or? Sorry, we just take a moment. Oh. May I? Yeah. So thank you. This is Dr. Shah and Dr. Devan. We're ready for our experiment. So, obviously one of these is lead and one doesn't. Absolutely. So this one has lead. Oh, okay. This one definitely doesn't. So what do you want to do? इन्होंने बहुत ही कम मात्रा में सी साइज में डाला है लेड और उसकी वजह से जो है ये पानी इतना दूधिया जैसा हो गया, ऐसा उसका रंग खराब हो गया। और ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ मोर और लेस ठीक पानी है। यस श्योर। सो यू टेक दिस कार्ट्रिज, दिस सेंसर एंड पुट इट इनटू द वाटर। यू कैन डू इट। ओह ठीक है। यस जस्ट पुट इट इन एंड लेट इट इन फॉर लाइक 5 सेकंड्स एंड देन यू कैन टेक इट आउट। 1001 1002 1003 1004 1005 एंड देन यस। तो मैंने बुरे पानी में जिसमें सीसा था उसमें मैंने डाला है और जो सही पानी था गीतांजलि ने उसमें अपना टेथिस का यंत्र डाला है। Then what you do is I've already connected to the devices, so you click the button that is check status on the bottom. Yes. Check status. Yes. ये मैंने दबा दिया। So this one's telling you it's critical value and this one's telling you it's safe. क्या बात है यार, just look at this. This is outstanding. जब तुम 13 के थे तो यू मेड दिस अर्लियर और जस्ट नाउ? अर्लियर, मच अर्लियर। तो कितने साल की हो? 2 years ago, and so when I was 11. एक सेकंड के लिए मैं डर गया था कि नो। थैंकफुली 11 साल की उम्र में ये बात मैंने इंप्लीमेंट की है। वेल डन गीतांजलि, ऑसम। थैंक यू, थैंक यू।
हमारा फ्यूचर जो है आपके इतने मुकद्दस और खूबसूरत हाथों में बहुत ज्यादा सेफ है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। व्हाट इज रियलिटी? आखिर क्या है हकीकत? ये जो आज मैं यहां स्टूडियो में आपके सामने खड़ा हूं, ये तो मैं ही हूं, लेकिन आपके स्क्रीन पर जो मैं हूं वो कौन है? क्या वो मैं नहीं हूं? नहीं, मैं अचानक फिलोसफर नहीं बन गया। मैं तो बस बात कर रहा हूं एक ऐसे अमेजिंग इनोवेशन की जो स्टोरी टेलिंग, लर्निंग और कम्युनिकेशन का फ्यूचर बदल रहा है, यानी मिक्सड रियलिटी। टेक टॉक्स इंडिया लाइव बात पर मिक्सड रियलिटी से हमारी पहचान करवाने आ रहे हैं मल्टीपल अवार्ड विनिंग कंपनी टेसराक के फाउंडर क्षितिज मारवा।